दोस्तों अगर आप एक आईपीएल फैन हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। तो आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और आईपीएल 2018 की सभी न्यूज का मजा सबसे पहले पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूँ आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2018 के बेहद इंटरेस्टिंग मैच की। दोस्तों मैच नंबर 55 और ये खेला जाना है मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच में। मैच खेला जाना है दिल्ली डेयरडेविल्स के होम ग्राउंड यानी फिरोजशाह कोटला मैदान में, और जहाँ पर दिल्ली की टीम अपना लास्ट मैच जीत गई है। दोस्तों हालांकि दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम मैच जीत जरूर गई है और अब ये मैच भी जीत जाती है तो उन्हें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो प्लेऑफ्स की रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं, लेकिन ये बाकी टीम्स का काम बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने अपने आखिरी मैच में हराया और जिस कारण से अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉप 2 का स्पॉट भी खो सकती है। और मुंबई इंडियंस के लिए भी अब ये टीम मैच जीतती है तो मुंबई इंडियंस साफ तौर पर प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट मैच में कौन सी टीम का मोमेंटम अच्छा रहा है, कौन सी टीम ने मैच में बाजी मारी थी, हेड टू हेड मैचेस की बात करने वाले हैं, की प्लेयर्स को देखने वाले हैं, प्लेयर बैटल को देखने वाले हैं, जब ये आमने सामने रहते हैं तो कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है, और इन सभी को देखने के बाद हम ये अंत में प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट मैच को जो इन दोनों ही टीम्स के बीच में खेला गया, मैच नंबर 10 दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस, जहां पर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बना दिए और जिसका पीछा करने उतरी दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने 195 रन बनाकर ये मैच जीता है। यानी काफी रोमांचक मैच रहा है, लास्ट बॉल पर मैच जीता दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने और जिस मैच के हीरो रहे थे जेसन रॉय, आते ही उन्होंने शानदार पारी खेली और दिल्ली डेयरडेविल्स को मैच जितवा दिया था। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो दिल्ली डेयरडेविल्स की बात की जाए तो नंबर 2 की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लास्ट मैच में 34 रनों से हराकर आए हैं, तो वहीं मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो किंग्स 11 पंजाब को 3 रनों से हराया है। यानी मोमेंटम भी दोनों ही टीम्स के पास अच्छा है। तो वहीं अब अगर हम एक और स्टैट की बात करें वो हैड टू हेड मैचेस। हेड टू हेड मैचेस में अब तक दोनों ही टीम्स के बीच में 21 मैचेस खेले जा चुके हैं जिनमें से मुंबई इंडियंस ने 11 और दिल्ली डेयरडेविल्स ने 10 मैचेस जीते हैं। यानी स्लाइटली मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा पलड़ा भारी जरूर है जो मुंबई इंडियंस को इस मैच में फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम की प्लेयर्स की बात करें कि कौन से वो प्लेयर्स रहने वाले हैं इस मैच के लिए जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, तो दोस्तों की प्लेयर्स में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ऋषभ पंत की बात की जाए तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। तो वहीं हर्षल पटेल भी आखिरी मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के कारण इन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम मुंबई इंडियंस के की प्लेयर्स की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहीं बॉलर्स में भी देखा जाए तो हार्दिक पांड्या, मिचेल मैकलेनेगन, जसप्रीत बुमराह लगातार ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुंबई इंडियंस को जीत दिलवा रहे हैं। तो वहीं इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम से यही उम्मीद होगी कि रोहित शर्मा भी अपना बल्ले का रंग दिखाएं और अच्छा परफॉर्म करें। तो दोस्तों इन सभी स्टैट्स को देखने के बाद, की प्लेयर्स, हेड टू हेड मैचेस, मोमेंटम और लास्ट मैच को देखने के बाद प्रिडिक्शन यही बनती है इस मैच की कि मैच खेला जाना है दिल्ली डेयरडेविल्स के होम ग्राउंड में और दिल्ली डेयरडेविल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को लास्ट मैच में हराया है 34 रनों से। लेकिन इसके बाद भी मुंबई इंडियंस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, मुंबई इंडियंस को जीत जरूरी है और इस मैच को भी मुंबई इंडियंस 70% के साथ जीत रही है। दोस्तों ये तो रही मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कौन सी टीम आपके हिसाब से इस मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और आईपीएल 2018 की सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप भी अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। धन्यवाद।